पहले भारत के सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने दिया बयान। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे तक भारत के सड़क बिछाने पर नेपाल किसी और के कहने पर इसका विरोध कर रहा है। इस बयान के बाद नेपाल के रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल तिलमिला उठे और कहा, लिपुलेख मुद्दे पर भारतीय सेना प्रमुख का बयान नेपाल के इतिहास का अपमान है। क्या भारतीय सेना प्रमुख की ओर से राजनीतिक बयान दिया जाना पेशेवर है? भारत को सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इसके लिए आपस में बातचीत होगी तो हम इस मुद्दे पर स्पष्ट शब्दों में अपना पक्ष रखेंगे। बयानबाजी का ऐसा दौर भारत और नेपाल के रिश्तों की नई कहानी तो नहीं। इस कहानी में सियासत है, शोर है, स्वार्थ है, सत्ता है और एक तीसरे का साथ है। जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीते दिनों उत्तराखंड में 17,000 फीट की ऊंचाई पर चीन की सीमा से लगी रणनीतिक रूप से अहम 80 किलोमीटर लंबी इस सड़क का उद्घाटन किया था, उसी वक्त नेपाल ने विरोध जताया था। मगर क्यों, ये समझ से परे है। इससे पहले जनरल नरवणे ने अपनी दुविधा को बयां किया था। पड़ोसी देश की ऐसी प्रतिक्रिया हैरान करने वाली थी। काली नदी के पूरब की तरफ का हिस्सा उनका है, हमने जो सड़क बनाई है वो नदी के पश्चिम की तरफ है, इसमें कोई विवाद नहीं था। मुझे नहीं पता कि वो किस चीज के लिए विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नेपाल क्यों कर रहा है दोस्ती का बॉर्डर पार? क्या भारत नेपाल टेंशन का है, चाइनीज कनेक्शन? अब सच क्या है मालूम नहीं, मगर नेपाल का ये रुख हैरान कर देने वाला है, क्योंकि भारत और नेपाल के इतिहास में हर बार दोस्ती की बारत लिखी गई है, लेकिन हालात अभी तो सामान्य नहीं है।